Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name. Lord Jesus, we praise your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. For a couple days I could not come online. We had a fellowship in our home और उसके बाद मेरी वाइफ को थोड़ा टाइफाइड हो गया और इट्स अ वेरी नास्टी फीवर तो बच्चों को भी हो गया. प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा. काइंडली प्रे द हीलिंग प्रेजेंस मूव्स इन अ होम. हालेलुया. यीशु मसीह ने हमें छुआ. सबको धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का. हालेलुया. आइए हम थोड़े समय प्रार्थना करें. सब मिलके प्रार्थना करें. हालेलुया. हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा और आपकी प्रार्थना विनतियाँ भी प्लीज़ आप मेंशन करें. हम मिलके दुआ करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद हो प्रभु जी. तेरे लहू की जय हो यीशु मसीह. तेरे लहू की जय हो यीशु मसीह. तेरे लहू की जय हो प्रभु यीशु मसीह. तेरा धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह. तेरे पवित्र लहू की जय हो प्रभु यीशु मसीह. तेरा धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद हो. लॉर्ड वी थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. वी प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. सब अपना मुंह खोलें और दुआ करें. हालेलुया. लॉर्ड वी ब्लेस यू. Lord, we magnify you. Lord, we glorify you. Lord, we exalt you. Hallelujah. There is none like you, Lord. You are so awesome. You are so amazing. You are so wonderful, Jesus. We give you praise and we give you glory. Lord, you did not repay us according to our transgressions. But as east is far from the west, so far have you removed our sins and transgressions. Tera dhanyavad, Yeshu Masih. Tu hamare sare adharm ko shama karta, hamare sare rogon ko changa karta. Tu hamari jaan ko khadde mein se bachata hai. Aur Prabhu, hamare paon ko chattan pe sthir karta hai. तू हमारे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तू हमारी जवानी को काब की तरह नया करता है. यीशु मसीह तू महान है. यीशु मसीह तू अद्भुत है. यीशु मसीह तू अजीम है. हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह. प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं. महिमा करते हैं. हालेलुया. महिमा करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. सब प्रार्थना कीजिए. हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए. पूरे घराने के लिए प्रार्थना कीजिए और अपनी अपनी प्रार्थना विनतियाँ आप प्लीज़ टाइप कीजिए इसके ऊपर. मैसेज कीजिए. जो चैट चल रही है इसमें हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए. हालेलुया. भाइयों और बहनों,
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत गहरी बातें बताई और कुछ ऐसी बातें जिन्हें मैं शेयर करने से भी संकोच करता हूँ। बहुत अजीब किस्म का टाइम आ रहा है पृथ्वी के ऊपर। मैं आपको ग्लूम एंड डूम की बातें बता के डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको पृथ्वी पे बहुत भयानक समय आ रहा है, भयानक समय। आपको परमेश्वर की आत्मा के समीप आना है। एंड यू हैव टू हियर द होली स्पिरिट। डू नॉट बी डिलूडेड बाय द फॉल्स प्रॉफिट्स। डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय फॉल्स अपोसल्स। देर आर फॉल्स टीचर्स हु आर सेड्यूसिंग पीपल। दे आर एनॉइंटेड बाय द सर्पेंट ऑयल एंड दे आर सेंट बाय द एमिसरीज ऑफ सैतान टू डिसीव गॉड्स पीपल। भाई और बहनों, बहुत अंधकार का समय पृथ्वी पे आ रहा है, बहुत अंधकार का। इसलिए अपना जीवन प्रभु के चरणों में दें, यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन संपूर्ण रीति से अर्पण करें और संपूर्ण रीति से पूरे हृदय से यीशु मसीह के पीछे चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग संपूर्ण हृदय से प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, दे विल नॉट मेक इट। हालेलुया। लेकिन जो अपने गडरिये के पीछे पीछे भेड़े चलेंगी, उनको प्रभु बचाएगा। हालेलुया। मैं आने वाले दिनों में आपके साथ वो सब बातें करूंगा जो पवित्र आत्मा मेरे दिल पे डाल रहा है, और प्रोफेटिक सिग्निफिकेंस की वो बातें जो हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं, संसार में घट रही हैं, पॉलिटिकल अरीना में, इन द अरीना ऑफ इकॉनमी, इन द रिलीजियस कॉरिडोर्स, ऑल अराउंड अस देयर आर थिंग्स हैपनिंग एवरी डे एंड दे आर हैपनिंग एट अ वेरी वेरी अलार्मिंग पेस। तो वचन आपकी आंखों के आगे पूरा हो रहा है। हम सब मिलके इसके ऊपर आने वाले समय में, अभी मेरे हृदय पे पूरी तरह बातें प्रभु सेटल करे, मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी हम मिलके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप सभी मिलके मेरे लिए, मेरे घराने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। लॉर्ड, आई प्रे फॉर लीना डेविडसन, for your hand to be upon her and upon her household, and Lord, for your mighty hand to be upon brother Sahil in Pakistan and over his family, and Lord, for your very special presence to come upon Sunita Kaur and her daughters and their respective households. Lord, I bind her and her household with the covenant that Jesus sealed in his blood on the cross of Calvary. May the blessing of the covenant that God made with her father Abraham come upon her. Bless Amarjeet Kaur. Bless her husband. Bless her family. Bless her children and children's children, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray for brother Harpal Singh Bajwa. Open door for this man. Bless his wife, his son, daughter. Bless his household, I pray, Father. Lord, I pray for Ruby Sanghera from Britain, that your hand be upon her, Lord. I plead the blood of the Lamb. I plead the blood of the Lamb over Silky Lal from Delhi, over her father and mother. I plead the blood of Yahusha HaMashiach. Bless Sabi Sujit. Bless his household, Lord. Cover your people under your blood. Protect them, Lord, from every howling storm that is beating against the boat of this world, and many are capsizing and many will drown, but only few will make it, they who have relationship with you, Lord Jesus. I pray for Jasveer Singh Surinder, Lord, for your hand upon him, and I pray for Samina Ashraf, may you bless her, Lord, and her household. Khudavand, teri blessing ko main
ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता पे खोलता हूँ. ब्लेस दिस डियर ब्रदर, ब्लेस हिज फैमिली इन मुंबई. मे योर हैंड बी अपॉन हिम लॉर्ड इन जीसस नेम. एंड फादर फॉर साहिल्स फादर, मे योर हीलिंग हैंड बी अपॉन हिम लॉर्ड. एंड लॉर्ड आई प्रे फॉर क्रिस्टोफर मैसी फ्रॉम चंडीगढ़. मे यू ब्लेस हिम, ब्लेस हिज हाउस होल्ड. मे योर हैंड बी अपॉन हिम एंड अपॉन हिज हाउस होल्ड. लॉर्ड ब्लेस तनुजा सेठ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. स्पीक योर ब्लेसिंग एंड अनॉइंटिंग एंड फेवर लॉर्ड. हालेलुया. लॉर्ड आई प्रे दैट यू विल ब्लेस एंजेला ड्रोच, योर डॉटर. मे योर हैंड बी अपॉन हर. लॉर्ड मे योर एंजल सराउंड हर. मे योर होली स्पिरिट कॉज हर डेल्व डीपर इन द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट. लॉर्ड Lord, I pray in the name of Jesus that she will continue to draw closer to you and she will continue to know you, Lord, who you are, the King of Glory. Hallelujah. Jasveer Singh Surinder, I speak the hand of the Lord upon you, upon your household, in the name of Jesus. I pray for Yogesh Kaushal, Lord, that your hand be upon this dear brother, upon his household, upon his family, in the mighty name of Jesus of Nazareth. Bless Rajan Seth. Lord, touch him in the name of Jesus. I plead the blood of Yahusha HaMashiach over his life in Jesus' name. Lord, bless Bahadur Singh Akash. Bless him, Lord. May your hand be upon him, Lord Jesus. Tera dhanyavad karte hain, Khudavandam tere naam ki mahima karte hain. Teri stuti karte hain. तेरी बढ़ाई करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं. तू जीवित है खुदावन. हालेलुया. तू मोक्ष दाता है, तू त्राण करता है खुदावन. तेरा नाम जलाल पाए. हालेलुया. लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी. हालेलुया. तेरी महिमा हो यीशु मसीह. तेरे वचन पे जब हम मनन करते हैं, तेरा आत्मा तेरे लोगों को तेरे वचन में से खुदावन तेरी गहरी बातें सिखाए, ताकि प्रभु हमारा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार हो खुदावन. हम तेरी इच्छा के अनुसार चलें, जो तू चाहे वो हम करें. प्रभु हम हॉटी स्पिरिट में, एरोगेंस में, दैट वी डोंट वॉक इन प्राइड एंड एरोगेंस. लॉर्ड लॉर्ड ब्लेस रमन कुमार, ही इज़ योर सर्वेंट. ब्लेस हिम आई प्रे दी. ब्लेस हिज फैमिली. पुट योर हैंड अपॉन हिम लॉर्ड इन जीसस नेम. Lord, open your word to us, I pray thee. Hallelujah. Open your word, Lord, through your spirit. Bless Sarah, Sarah. May your hand be upon her. I pray thee, Lord. Hallelujah. Prabhu, hum tera dhanyavad karte hain. Yeshu Masih, tere jalali naam mein is prarthna ko hum mangte hain. Amen. Hallelujah. Shalom, aap sabko jai Yeshu Masih ki. आज मैं कुछ अलग बातें आपके साथ करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप इन वचनों को प्रिंट कीजिएगा और नोट्स बनाइए और अध्ययन कीजिएगा. तीन बातें आज आपको बताने जा रहा हूं. सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं. पॉइंट नंबर वन इज आवर बॉडीज बिलोंग टू गॉड. हमारे शरीर, हमारी देह है, परमेश्वर की हैं. Hallelujah. Your body belongs to Jesus. My body belongs to Jesus. हमारे शरीर हमारे नहीं. प्रभु का वचन बताता है, You have been bought with a price. This body does not belong to you anymore. ये शरीर आपका नहीं है अब. यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देके आपके शरीर को अपने लिए खरीदा है. हालेलुया. यीशु मसीह ने आपकी देह को अपने लहू का दाम देके खरीदा है. अब ध्यान से सुनिएगा. अगर आप मार्केट से एक पेन खरीदें और वो पेन अगर 100 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब उस पेन की वैल्यू 100 रुपी है. उसकी एक्चुअली उसकी कॉस्ट 100 रुपी है, लेकिन उसकी वैल्यू आपको मिलेगी जब आप उससे लिखेंगे. जो काम वो पेन करेगा वो उसकी वैल्यू होगी, लेकिन जितने पैसे देके आप उसे खरीदेंगे वो उसकी कॉस्ट है.
तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है अपने लहू का दाम देके, हमारी बॉडीज को भी। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जल्दी से, आप प्लीज़ टाइप कीजिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स नंबर 12, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 12 वचन देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 12 पौलुस कहता है, आई एम अलाउड टू डू ऑल थिंग्स बट ऑल थिंग्स आर नॉट गुड फॉर मी टू डू। आई एम अलाउड टू डू ऑल थिंग्स बट आई विल नॉट लेट एनी थिंग मेक मी इट्स स्लेव। प्रेरित पौलुस कहता है सभी चीज़ें मेरे लिए लॉफुल तो हैं लेकिन सभी चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल नहीं हैं। मैं इन चीज़ों की पावर के नीचे नहीं आना चाहता, इनकी सामर्थ्य के नीचे नहीं आना चाहता। अब देखिए प्रेरित पौलुस क्या बात करता जाता है, 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, फूड इज़ फॉर द स्टमक एंड स्टमक इज़ फॉर फूड बट गॉड विल डिस्ट्रॉय देम बोथ। द बॉडी इज़ नॉट फॉर सेक्सुअल सिन फॉर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज़ फॉर द बॉडी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेरित पौलुस कहता है कि सब बातें मुझे अलाउड हैं लेकिन सब बातें जो हैं वो मेरे लिए सही नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर मी। फिर 13 वचन में बोलता है फूड इज़ फॉर द स्टमक एंड स्टमक इज़ फॉर द एंड स्टमक इज़ फॉर फूड बट गॉड विल डिस्ट्रॉय देम बोथ। प्रेरित पौलुस अचानक शरीर की बात करता करता खाने के ऊपर आ जाता है, बॉडी खाना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बहुत ही आउटरेजियसली फूड को क्रेव करते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो अगर फेसबुक पे तस्वीरें डालते हैं तो केवल खाने की, फूड 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 फूड, मतलब उनकी हर फैंटेसी में खाना होता है और खाना जैसे उन लोगों का रिलीजन है, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात खाना है शायद। तो प्रेरित पौलुस पहले बात करता है कि हमारे शरीर प्रभु के हैं, हमारे नहीं हैं। फिर कहता है कि परमेश्वर खाने को और पेट को दोनों को नाश कर देगा। फिर क्या कहता है प्रेरित पौलुस आगे 13 वचन में, द बॉडी इज़ नॉट फॉर सेक्सुअल सिन फॉर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज़ फॉर द बॉडी। शरीर प्रभु का है, हालेलुया। द लो यहाँ पे क्या लिखा है, उस वर्स को लिखिएगा आप प्लीज़। यहाँ पे लिखा द बॉडी इज़ नॉट फॉर सेक्सुअल सिन फॉर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज़ फॉर द बॉडी। द बॉडी इज़ फॉर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड इज़ फॉर द बॉडी। ये देह प्रभु के लिए है और प्रभु हमारी देह से प्रीति करता है और ये देह सेक्सुअल इमोरालिटी के लिए नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए प्रेरित पौलुस कहता है सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं सब चीज़ें करूँगा नहीं क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है और मैं उन चीज़ों की सामर्थ्य के नीचे नहीं आऊँगा। फिर प्रेरित पौलुस खाने की बात करता है, फिर कहता है खाना और पेट दोनों को यहोवा नाश कर देगा। फिर प्रेरित पौलुस क्या बात करता है 15 वचन में, प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है द बॉडी इज नॉट फॉर सेक्सुअल सिन, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है। देखिए ध्यान से प्रेरित पौलुस पहले बात करता है शरीर की कि ये प्रभु के लिए है। फिर प्रेरित पौलुस बात करता है कि हमें स्वतंत्रता मिली है लेकिन वही स्वतंत्रता को पाप में गिरने का ओकेजन नहीं मैं बनने दूंगा, उस लिबर्टी को मैं पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर प्रेरित पौलुस खाने की बात करता है, ऑब्वियसली प्रेरित पौलुस बात कर रहा है ग्लटनी की, वो लोग जिनके लिए भोजन उनका धर्म है, वो लोग जिनके लिए भोजन उनकी फैंटसी है, दे क्रेव फॉर फूड एट ऑल टाइम्स, दे डू नॉट रियलाइज दैट देर इज अ डीमन लिविंग इन देम दैट कॉजेज देम क्रेव फॉर फूड एट ऑल टाइम्स एंड दे वॉन्ट फूड 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 एट ऑल टाइम्स। सो वट हैपन्स थ्रू द स्पिरिट ऑफ ग्लटनी, ग्लटनी की आत्मा से होता क्या है, क्या होता है ग्लटनी की आत्मा से, ग्लटनी की आत्मा से सेक्सुअल इमोरालिटी,
स्पिरिट ऑफ ग्लटनी इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट ऑफ सेक्सुअल इमोरालिटी। व्यभिचार की आत्मा अधिक खाने पीने के संग जुड़ी हुई है। पढ़ लीजिए वचन यहां पे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6:16 बता रही है सेक्सुअल इमोरालिटी। और अब अगर आगे आप आएंगे पहला कुरिन्थियों 6:19 में प्रेरित पौलुस क्या कहता है। प्रेरित पौलुस कहता है यू शुड नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। नो ई नॉट दैट ई आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह ग्लटनी के लिए नहीं है। खाना 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 हर समय खाने को एक हिस्टीरिया बना के जो लोग जीते हैं वो ऑब्वियसली सेक्सुअल इमोरालिटी में गिरते ही गिरते हैं। एपेटाइट फिर वाइसेस की ओर ले जाते हैं। तो 6:19 में बताता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। 6:20 में प्रेरित पौलुस बताता है पहला कुरिन्थियों 6:20 में बिकॉज यू वर बॉट बाय गॉड फॉर अ प्राइस सो ऑनर गॉड विद योर बॉडीज। योर बॉडी एंड माई बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ग्लोरीफाई गॉड। आपको मालूम आपकी और मेरी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप यहोवा की आराधना कर सकते हो, यहोवा की स्तुति कर सकते हो, यीशु मसीह की सेवा कर सकते हो। इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जगत में परमेश्वर के काम फैला सकते हो आप। ये इंस्ट्रूमेंट अगर आपका सही नहीं है, इसके अंदर ग्लटनी है और सेक्सुअल इमोरालिटी है, तो आप का ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिवाइन डिवाइस है जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं होगा बल्कि बुद्रुओं का मंदिर होगा, दुष्ट आत्माओं का, डीमंस का। एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, जल्दी से मेरे साथ निकालें। व्यवस्था विवरण जिसे हम ड्यूटरॉनमी कहते हैं, ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर टू एंड लेट्स रीड वर्स नंबर 19। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर टू वर्स नंबर 19। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यहाँ पे। हाँ सॉरी 18 पढ़ना पड़ेगा, 2 का हम पढ़ेंगे 18। सॉरी इट्स नॉट चैप्टर नंबर 2, वेयर अ सेकेंड। व्यवस्था सार ड्यूटरॉनमी उसका 21, चैप्टर नंबर 21, 21 ड्यूटरॉनमी का 21। सुनिए ध्यान से, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ वचन नंबर 18। इफ समवन हैज़ ए सन हु इज स्टबन हु टर्न्स अगेंस्ट हिज फादर एंड मदर एंड डजंट ओबे देम और लिसन व्हेन दे करेक्ट हिम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यदि किसी का कोई पुत्र है जो स्टबन है ढीठ है और अपने माता पिता के विरोध में खड़ा होता है और उनकी आज्ञा नहीं मानता, जब वो उसे करेक्ट करते हैं तो वो ताड़ना नहीं लेता। हिज पेरेंट्स मस्ट टेक हिम टू द ओल्डर लीडर एट द सिटी गेट। उस बालक के माता पिता अपने बेटे को लेके बुजुर्गों के पास जाएं, प्राचीनों के पास, सिटी के गेट पे। दे विल से टू द लीडर आवर सन इज स्टबन। क्या कहेंगे कि हमारा बेटा स्टबन है, ढीठ है। सुनिए ध्यान से। एंड टर्न्स अगेंस्ट अस एंड विल नॉट ओबे अस, ही ईट्स टू मच एंड इज ऑलवेज ड्रंक। सुनिए ध्यान से, ये ग्लटनी है भाई और बहनों। ये एक जवान बच्चा है लेकिन ग्लटनी की आत्मा का, बहुत एक्सेसिवली खाता है खाना 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 खाना, फूड फूड फूड। और ग्लटनी की बदरू ने इस जवान लड़के को पकड़ लिया है। अब ये ग्लटनी की आत्मा ने इसे स्टबन बना दिया, ढीठ बना दिया, और ये रिबेलियस है, अपने माता पिता के विरोध में बलवा करता है। शैतानी आत्माएं इसके अंदर आ गई हैं और ये ग्लटनी का शिकार है। ग्लटनी समझते हैं आप,
पेटूपन, पेटूपन, और सिर्फ ये पेटूपन का शिकार नहीं है, ये पैक्कड़पन का भी शिकार है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है, ही ईट्स टू मच एंड ही इज ऑलवेज ड्रंक। ये ड्रंकड भी है और ये ग्लटन भी है, खाना 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 खाना। सुनिए वचन, हालेलुया। आवर सन इज स्टबन, टर्न्स अगेंस्ट अस एंड ही विल नॉट ओबे, ही ईट्स टू मच एंड ही इज ऑलवेज ड्रंकड। देखिए, ग्लटनी की आत्मा बहुत पेटूपन इंसान को कहाँ ले जाता है, स्टबन रिबेलियसनेस की ओर ले जाता है। नीति वचन 20 का, नीति वचन में से मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ जल्दी से आपके लिए। नीति वचन को बोलते हैं कहौता पंजाबी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स। तो निकालिए प्रोवर्ब्स 23, नीति वचन 23, नीति वचन 23 का मैं 20 आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिए, नीति वचन 23 का 20, डू नॉट ड्रिंक टू मच वाइन और ईट टू मच फूड। ज़्यादा खाना मत खा, ज़्यादा दारू मत पी। दोज हु ड्रिंक एंड ईट टू मच बिकम पुअर, दे स्लीप टू मच एंड एंड अप वेयरिंग रैग्स। जो बहुत पेटू हैं, बहुत पियक्कड़ हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत गरीब हो जाते हैं और चिथड़े पहन के रहने लगते हैं, ऐसा हाल हो जाता है। ये गंदी रूह है, ये स्पिरिट है गंदी। अब आप इसका आए 28 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 7, 28 प्रोवर्ब, 28 नीति वचन 28 का 7, चिल्ड्रन हु ओबे व्हाट दे हैव बीन टॉट आर स्मार्ट, बट फ्रेंड्स ऑफ ट्रबल मेकर डिसग्रेस देयर पेरेंट्स। हालेलुया। मैं 28 का 7, चिल्ड्रन हु ओबे देयर पेरेंट्स हैव बीन, दे हैव बिन टॉट आर स्मार्ट बट फ्रेंड्स ऑफ ट्रबल मेकर डिसग्रेस देयर पेरेंट्स। जो स्टबन होते हैं अपने माता पिता की निंदा करवाते हैं। हालेलुया। अब मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, इसी का नीति वचन का 23 में से, नीति वचन 23 23 का 20 में से पढ़ता हूँ आपके लिए। सुनिए, डू नॉट ड्रिंक टू मच वाइन और ईट टू मच फूड। हालेलुया। ये तो मैंने पढ़ दिया आपके लिए, है ना, 23 का, 23 का 2 पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। 23 का 2, 23 के 2 में क्या लिखा है, कंट्रोल योर सेल्फ इफ़ यू हैव एन एपेटाइट। अपने आप कंट्रोल करो अगर आपको बहुत बड़ा एपेटाइट है। आपको मालूम, यहाँ पे वर्ड के एपेटाइट के लिए, एपेटाइट के लिए जो लैटिन में वल्गेट ट्रांसलेशन है रोमन कैथोलिक बाइबल में, वहाँ पे वर्ड है ग्लूटेरा, ग्लूटेरा, ग्लूटेरा से वर्ड निकलता है गल्प करना। बहुत सारे लोग ऐसे ना चबाते भी नहीं हैं, भड़क भड़क खाना अंदर डालते ही जाते हैं। जब खाना उनके अंदर आता है, उनके सामने आता है, तो उनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा पेट में डाल लें। तो ये वर्ड है ग्लूटेरा, एपेटाइट, मतलब खाने को तसल्ली से, आराम से, सम्मान आदर के ढंग के साथ, मज़े से खाना, उसका आनंद लेते हुए, वो नहीं बल्कि अंदर फेंकते ही जाना। आपको मालूम, रोमन कैथोलिक चर्च बहुत सिखाती है ग्लटनी के बारे में, हमारे पेंटिकॉस्टल नहीं सिखाते कभी भी, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकॉस्टल खाने के शौकीन हैं। बारबेक्यू हो, तंदूर के अंदर सीखें लगी हों, कबाब शबाब हों, बस ज़्यादा इधर ही होते हैं। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा टीचिंग है, मैंने उसका अध्ययन किया है। एक अर्ली चर्च फादर थे थॉमस एक्विनास, थॉमस एक्विनास एक अर्ली चर्च फादर थे, बुजुर्ग थे, और उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उसने खाने के ऊपर लिखा बहुत ज़्यादा। तो मैं बताता हूँ आपको, थॉमस एक्विनास ने 7 बातें लिखी हैं, सुने ध्यान से, थॉमस एक्विनास की 7 बातें। वो क्या कहते हैं, ईटिंग टू सून, बहुत जल्दी खाना, अभी भूख नहीं लगी है लेकिन खा ही लो, ईटिंग टू सून, ईटिंग टू एक्सपेंसिवली, बहुत महंगा खाना खाना, ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना, ईटिंग टू ईगरली, बहुत जल्दी जल्दी में खाना, ईटिंग फॉर डेंटली,
मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ों को खाने की ख्वाहिश रखना, ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना, ईटिंग टू वाइल्डली, जानवरों की तरह खाना, ये सात बातें पाप हैं, ये सात बातें पाप हैं। ग्लटनी, ग्लटनी की आत्मा है उसके अंदर। वो व्यक्ति प्रेरित पौलुस बताता है खाएगा फिर वो स्टबन हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा, रिबेल करेगा, फिर उसके शरीर के अंदर शरीर की वासना जोर मारेगी, फिर वो गंदे कामों के लिए जाएगा। यदि औरत है तो पुरुष को ढूंढेगी, यदि पुरुष है तो औरत को ढूंढेगा, ताकि अपने एपेटाइट को रिलीज़ कर सके। तो ये काम है ज़्यादा खाने से। सेंट ग्रेगरी हैं, एक सेंट ग्रेगरी ने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। सेंट ग्रेगरी फाइव वेज बताते हैं ग्लटनी के, ग्लटनी के अर्थात पेटूपन की आत्मा के पांच मार्ग कौन से हैं। सुनिए, पहली बात, ईटिंग बिफोर द टाइम ऑफ मील्स, भोजन के समय होने से पहले ही खा लेना। अभी भोजन का समय नहीं हुआ है, उससे पहले खा लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं वचन देता हूँ कुछ आपको, देखिए बड़े स्ट्राइकिंग स्क्रिप्चर्स हैं, अद्भुत वचन बाइबल के अंदर, जो शायद कभी आपने गौर नहीं किए होंगे। क्या कहते हैं सेंट ग्रेगरी, ईटिंग बिफोर द टाइम ऑफ मील्स, जो मुकर्रर किया ठहराया गया खाने का समय है उससे पहले खाना खा लेना। अब मैं एक वचन आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ें, पढ़िएगा आप। हालेलुया, वन मिनट। पहला सैमुएल की पुस्तक निकालिए, प्लीज़ बीच में टाइप कीजिएगा, ये खाने के निर्धारित समय से पहले खा लेना। पहला सैमुएल उसका 14 अध्याय और उसका 29 वचन, अब सुने यहाँ पे। जोनाथन सेड, माय फादर हैज़ मेड ट्रबल फॉर द लैंड, सी हाउ मच बेटर आई फील आफ्टर जस्ट टेस्टिंग अ लिटल ऑफ दिस हनी। क्या कर रहा है, खाने से पहले खा रहा है जोनाथन, मुकर्रर किया गया टाइम नहीं है उससे पहले खा रहा है। हालेलुया। अब आप देखें दूसरी चीज, पहला है ईटिंग बिफोर द टाइम ऑफ मील्स, दूसरी बात जो सेंट ग्रेगरी लिखते हैं, सीकिंग डेलिकेसीज एंड बेटर मील्स टू ग्रेटिफाई सेंस, ग्रेटिफाई द सेंसेस, सीकिंग डेलिकेसीज एंड बेटर क्वालिटी मील्स टू ग्रेटिफाई द सेंसेस। जो व्यक्ति बढ़िया बढ़िया किस्म के महंगे खाने ढूंढते हैं और बहुत ज़्यादा स्वाद 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 टेस्ट हर बात में यही ढूंढते हैं, टू ग्रेटिफाई द सेंस ऑफ टेस्ट, केवल अपनी जुबान के पीछे जाते हैं टेस्ट के पीछे, ये भी ग्लटनी की आत्मा है। गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक नंबर्स, गिनती उसका 11 अध्याय, गिनती की पुस्तक नंबर्स की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 4-5 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने। सम ट्रबल मेकर अमंग देम वॉन्टेड बेटर फूड। इसराइली जब निकल रहे हैं ना बियाबान में से, तो कुछ लोग हैं जो ट्रबल मेकर हैं, वो कह रहे हैं बेटर खाना चाहिए हमें, बेटर फूड, बढ़िया क्वालिटी का, ये मन्ना खा खा के तो हमारी बस हो गई है। एंड सून ऑल द इसराइलाइट बिगेन कंप्लेनिंग, इन लोगों ने भड़का दिया उनको, इसराइलियों को, सारे कंप्लेन करने लगे और कहने लगे दे सेड वी वॉन्ट मीट, हम मन्ना खा खा के उब गए हैं, अब हमें मीट चाहिए। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मीट दिया उनको। पढ़ लीजिएगा 11 अध्याय 31 वचन से, परमेश्वर ने मीट दिया बियाबान में, लेकिन मीट अभी उनके मुंह में ही था कि प्लेग ने सबको मार दिया, बहुत सारे लोग मर गए, क्योंकि जुबान के बढ़िया बेटर खाना, बेटर खाना, बेटर क्वालिटी, डेंटली है, क्या लिखा यहाँ पे, सीकिंग डेलिकेसीज एंड बेटर क्वालिटी मील्स टू ग्रेटिफाई द सेंस ऑफ टेस्ट, अपनी जुबान के लिए ही केवल जीते हैं ये लोग। तीसरी बात सेंट ग्रेगरी लिखते हैं, सीकिंग आफ्टर सॉसेज एंड सीजनिंग फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ पैलेट्स, सीकिंग आफ्टर सॉसेज एंड सीजनिंग फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ पैलेट। जो लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें, सीजनिंग, मसाले, ये चीज़ वो चीज़ मिक्स की जाए, इसको ही ढूंढते रहते हैं। हालेलुया।
पास्टर दलवीर जी शायद सुन रहे हैं मैसेज, पास्टर दलवीर जी आप सुन रहे हो शायद, तो हमारे एक भाई हैं वहाँ पे जहूरा में, थोड़ा सा कलाम उनकी ओर जा रहा है। पहला सैमुअल और उसका चार अध्याय में आइए, पहला सैमुअल चार अध्याय, पहला सैमुअल चार अध्याय उसका 11 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। लोग सीजनिंग ढूंढते हैं, सॉसेज ढूंढते हैं फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ द पैलेट। तो क्या है पहला सैमुअल चार के 11 में क्या लिखा है, सुनिए पहला सैमुअल चार का 11। हालेलुया, यहाँ लिखा है The ark of God was taken by the Philistines, and Eli's two sons Hophni and Phinehas died. Hophni और Phinehas एली के दो बच्चे हैं। खुदावंद के ऐद का संदूक फिलिश्ती उठा के ले गए और Hophni और Phinehas दोनों मारे गए। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे ना, Hophni और Phinehas जो कि एली के बच्चे हैं, इनका पाप कितना गंभीर है प्रभु की नज़र में। आपको मालूम, लोग जब परमेश्वर के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, कुर्बानियाँ लेके आते थे शिलो की टेंपल में, तो वो कुर्बानियाँ बड़े ही आदरणीय ढंग से प्रभु के आगे चढ़ाई जाएं, इसकी प्रभु ने विधियाँ दी थी उनको कि ऐसे ऐसे चढ़ानी है। और वो कुर्बानियाँ जो प्रभु को चढ़ाई जाती थी, वो प्रभु को चढ़ाए जाने के बाद याजकों के लिए लॉफुल था कि उसमें से खा सके। लेकिन एली के दोनों बेटे पहले उन भेंटों में से निकाल लेते थे बढ़िया मीट अपने लिए, बढ़िया बढ़िया मीट। और अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वो जो मीट यहोवा को चढ़ाए जाने से पहले अपने लिए निकालते थे, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया किस्म के मसाले और सॉसेज डाल के बहुत ही स्वादिष्ट अपने लिए अलग करके बनाते थे। पेटू थे वो, वो यहोवा की कुर्बानियों को अशुद्ध करते थे, भ्रष्ट करते थे। उनकी नज़र में यहोवा पवित्र परमेश्वर का कोई सम्मान नहीं था, यहोवा को चढ़ाए जाने वाले सैक्रिफाइसेस का वो सम्मान नहीं करते थे एली के बेटे। और आपको मालूम, एली ने शायद अपने बेटों को समझाया नहीं, सिखाया नहीं, शायद एली इतना बूढ़ा हो गया कि अब उसके बेटे उसकी बात सुनते भी नहीं हैं। लेकिन एली के विषय में क्या लिखा है, एली इतना ओबीस था, इतना मोटा था, हट्टा कट्टा था, क्योंकि ये पूरी फैमिली गोश्त खाने में, मीट खाने में लगी रहती थी। वचन में लिखा उसकी गर्दन इतनी मोटी थी और वो रॉकिंग चेयर पे बैठा था, गिर गया, गर्दन टूटी और मर गया। और उसके ये बच्चे Hophni और Phinehas ये यहोवा को चढ़ाए जाने वाली भेंटों का अनादर करते थे, उसके अंदर से बेस्ट पोर्शन मीट के निकाल के स्पाइसेस ये चीज़ें डाल के अपने लिए बना के खाते थे। और आपको मालूम ये क्या करते थे, जब ये खाने बढ़िया बढ़िया जो यहोवा को अर्पण किया जाना है, यहोवा की ऑ नहीं थी इनके दिल में, यहोवा का रेवरेंस नहीं था, यहोवा का ऑनर नहीं था, ये यहोवा से डरते नहीं थे, यहोवा परमेश्वर इनके लिए बहुत फेमिलियर बन गया था। बहुत सारे ईसाइयों के लिए परमेश्वर बहुत फेमिलियर कमोडिटी है, इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन पे श्राप हैं, कर्स हैं, लानते हैं, क्योंकि यहोवा का सम्मान नहीं है, यहोवा के आदर और भय में वो जीवन नहीं बिताते हैं, यहोवा परमेश्वर को बहुत फेमिलियर कमोडिटी करके लेते हैं लोग, इसलिए लोगों पे लानत आती है। तो एली के बच्चे यही काम करते थे, गोश्त मीट बढ़िया बढ़िया खाने, हालांकि यहोवा को नहीं चढ़े, वो पहले निकाल के खाते थे। तो फिर क्या करते थे, जब गोश्त खाते थे, ये डेलिकेसियाँ खाते थे, ग्लटन थे, पेटू थे, प्यक्कड़ थे, इसलिए बाद में क्या करते थे, औरतों के साथ सेक्स करते थे वहीं पे टेंपल के अंदर, टेंपल के कोर्ट यार्ड में औरतों के साथ गलत काम करते थे। ये सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं भाइयों और बहनों, समझ रहे हैं आप, हालेलुया। और क्या कहते हैं सेंट ग्रेगरी, सेंट ग्रेगरी कहते हैं जितना भोजन आपको खाने के लिए चाहिए उससे दुगना तिगना भोजन खाना ये भी ग्लटनी है, जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आउटरेजियसली खाना ये भी ग्लटनी है।
गलटनी की गंदी रूह है, गलटनी की आत्मा भाई और बहनों रिबेलियन के साथ जुड़ी है, गलटनी की आत्मा सेक्सुअल इमोरालिटी के साथ जुड़ी है, गलटनी की आत्मा यहोवा के निरादर के साथ जुड़ी है। सुनिए इजिकियल नबी की पुस्तक, इजिकियल 16 अध्याय, इजिकियल चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 49, इजिकियल 16:49 सुने। दिस वॉज द सिन ऑफ योर सिस्टम साडम, शी एंड हर डॉटर्स वर प्राउड एंड हैड प्लेंटी ऑफ फूड एंड लिव्ड इन ग्रेट कंफर्ट, बट शी डिड नॉट हेल्प द पुअर एंड नीडी। सदोम गमोरा का एक पाप लिख रहा है इजिकियल नबी यहां पे, सुन ले ध्यान से। सदोम गमोरा का एक बड़ भयंकर पाप था फुलनेस ऑफ फूड, बहुत दबा के बढ़िया बढ़िया खाने, मीट गोश्त तरह तरह के पकवान खाते थे सदोम के लोग, और सेक्सुअल इमोरालिटी में प्लंज थे बुरी तरह। फूड एंड सेक्स, दैट हैज बीन द कल्चर ऑफ सो मेनी ईवल सिविलाइजेशंस दैट लिव्ड अपॉन द अर्थ। परमेश्वर का कलाम कहता है इसके विषय में, यह हेडोनिज्म है, कंज्यूमर एज। हेडोनिज्म क्या कहता है? आज ईट एंड ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो बी डाई, खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल तो हमने मरना है। यह शैतानी किंगडम है। सदोम के लोग क्या करते थे? बहुत गोश्त मीट तरह तरह के पकवान खाते थे और सेक्सुअल इमोरालिटी में इंडल्ज रहते थे, सेक्सुअल परवर्जन में। और क्या लिखते हैं सेंट ग्रेगरी, पांचवीं बात सुनिए ध्यान से, पांचवीं बात, टेकिंग फूड विद टू मच ईगरनेस इवन व्हेन द फूड इज नॉट टू मच लग्जूरियस। मतलब भोजन पे टूटी पड़ना, टेकिंग फूड विद टू मच ईगरनेस इवन व्हेन द फूड इज नॉट दैट लग्जूरियस। ये पेटूपन की निशान, पेटूपन के ट्रेट बता रहा हूं आपको मैं, पेटूपन प्यक्कड़पन, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कहीं ये निशान आपके जीवन में तो नहीं है, इनसे आप आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ को। देखिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय का 30 वचन, जेनेसिस 25 वर्स नंबर 30। यहाँ पे किसके विषय में लिखा? इसाओ के विषय में। क्या कहता है इसाओ? सो इसाओ सेड टू जेकब, लेट मी ईट सम ऑफ दैट रेड सूप बिकॉज आई एम वीक विद हंगर, दैट्स वाई पीपल कॉल हिम ईडम। इसाओ आके यकूब से कहता है, भाई मुझे एक कटोरी दे दे, वो जो लाल रंग की दाल है उसका सूप दे दे। तो वो उससे बोलता है, अपने पहलौठे का हक मुझे दे दे। तो वो कहता है, मैंने क्या करना पहलौठे का हक रख के, मैं तो भूख से मर रहा हूँ। और उसने उससे वो सूप लिया और अपने पहलौठे का हक बेच दिया। देखते हैं आप, वचन में लिखा है इसाओ ने रो रो के आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं की, लेकिन यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी नहीं, क्योंकि जो यहोवा ने उसे दिया था पहलौठे का अधिकार, वो बहुत कीमती था, बहुत अद्भुत था और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य था। लेकिन उसने अपने एपेटाइट के लिए, अपने शरीर की ग्लटनी के लिए, शरीर की पूर्ति करने के लिए इतनी बड़ी बात को दांव पे लगा दिया और अपना अधिकार बेच दिया। बाद में उसने पाना चाहा लेकिन उसे मिला नहीं। बहुत सारे लोग अपने जीवन की कीमती चीज़ों को दांव पे लगा देते हैं फूड के लिए। भाई और बहनों, भोजन के लिए मत जियो, फूड के, शरीर के एपिटाइटों के पीछे मत भागो। हालेलुया। बहुत से लोग रोजे नहीं रख पाते, उपवास नहीं रख पाते, क्योंकि ग्लटनी की आत्मा ने घेरा हुआ उनको, उपवास में बैठ नहीं पाते। कोरोना वायरस आने से पहले मेरे को परमेश्वर ने 40 दिन उपवास में बैठने के लिए कहा लास्ट ईयर, और मैं बैठा प्रभु के आगे 40 डेज। और प्रभु के अनुग्रह से, अपनी कोई खूबी नहीं बता रहा हूँ, लियाकत नहीं बता रहा हूँ, यीशु मसीह के अनुग्रह से, हालेलुया। और यीशु मसीह ने बड़ी कृपा की, यीशु मसीह ने बहुत आशीष दी, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो अपने एपेटाइट को, इन सब चीज़ों को कुर्बान करना, हालेलुया। तो क्या लिखा है? टेकिंग फूड विद सो मच ईगरनेस इवन व्हेन द फूड इज नॉट दैट लग्जूरियस। एक दाल की कटोरी के लिए
अपने पहलौठेपन के अधिकार को ईसाओं ने बेच दिया। मैं एक वचन देता हूँ आपको, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में चलें, पढ़िए इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों 12 और उसके 16 वचन से पढ़ता हूँ आपके लिए, सुने। इब्रानियों 12 के 16, बी केयरफुल दैट नो वन टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल सिन और इज लाइक ईसाओ एंड नेवर थिंक्स अबाउट गॉड। देखें देखें ध्यान से मैं कहाँ कहाँ से वचन दे रहा हूँ आपको। इब्रानियों 12 की 16 में लिखा है, बी केयरफुल दैट नो वन टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल सिन, सेक्सुअल सिन की बात की जा रही है, और इज लाइक ईसाओ। ईसाओ की ग्लटनी, ईसाओ ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया। जो यहोवा ने उसको दिया उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उसका सम्मान नहीं किया। यहोवा की दी गई आशीषों का सम्मान कीजिए, उन्हें बेचिए मत। बहुत सारे लोग बेच देते हैं यहोवा की दी गई आशीषों को। बहुत सारे झूठे नबी, झूठे प्रचारक अभिषेक को बेचते हैं चंद पैसों के लिए। यहोवा की ओर से दी गई आशीषें अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। जगत के पास उनको देने के लिए, उनको परचेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे ईसाओ की बात क्या करता है, कैसे करता है प्रभु, देखिए ध्यान से, प्रभु का वचन कितना अद्भुत है। कैसे करता है प्रभु ईसाओ के जीवन की बात, इब्रानियों 12 अध्याय के 16 वचन, बी केयरफुल दैट नो वन टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल सिन, शरीर के गंदे काम कोई ना करे, और इज लाइक ईसाओ एंड नेवर थिंक्स अबाउट गॉड। ईसाओ का पेटूपन सेक्सुअल इमोरालिटी के संग जुड़ा है। सुन रहे हो आप, जो केवल खाने को अपना गॉड मानते हो और पेट ही जिनका खुदा है। देख रहे हो आप क्या लिखा है, 17 वचन, यू, यहाँ लिखा है, एज द ओल्डेस्ट सन ईसाओ वुड हैव रिसीव्ड एवरीथिंग फ्रॉम द फादर बट ही सोल्ड ऑल दैट फॉर अ सिंगल मील। वो पहलौठा पुत्र होके पिता का उत्तराधिकारी होता, सब कुछ उसे मिलता, लेकिन एक कटोरी दाल के लिए उसने सब कुछ बेच दिया। मूर्खता की हाइट है ये भाई और बहनों, ग्लटनी है शरीर की अंदर, भूख वासना ग्लटनी ये मनुष्य से ये काम करवाती। 17 वचन, यू रिमेंबर दैट आफ्टर ईसाओ डिड दिस ही वॉन्टेड टू गेट हिज फादर्स ब्लेसिंग बट हिज फादर रिफ्यूज्ड। ईसाओ कुड नॉट फाइंड नो वे टू चेंज वट ही हैड डन इवन दो ही वॉन्टेड द ब्लेसिंग सो मच दैट ही क्राइड। उसने बहुत रोया, बहुत पुकारा, पर उसको वो वापस नहीं मिली। समझ रहे हैं आप, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ग्लटनी की आत्मा का परित्याग करें, हालेलुया, और उपवासों में उतर आएं प्रभु के आगे। मैं फिर आपसे बातचीत करूंगा, कुछ पास्टर गेस्ट मुझे मिलने के लिए आए हैं, फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।